Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सेक्रेटरी सर्विसेज की सूबाई काबीना के इजलास में तजवीज, वजीर आला सिंध ने कहा आवाम के मफादात में काम करना चाहिए, कोशिश है कि इदारों को बेहतर किया जाए, पुलिस रूल्स ऐसे हों जिसमें हुकूमत की रिट कायम रहे। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में फारूक सत्तार और आमिर खान मुजरिम करार, पुलिस ने जिमनी चालान इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया, दोनों से मजीद तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला, तफ्तीशी टीम ने महकमा दाखिला सिंध को खत अरसाल कर दिया। ADC ने केस में बानी MPM और दीगर मुलजिमों के नाकाबले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए। इमरान खान सत्यानाश बेड़ा गर्क ब्रिगेड के कमांडर हैं। वजीर दाखिला अहसन इकबाल का वार कहा रात 8 से 11 तक मुल्क को बदहाल करार दिया जाता है, 12 बजे सब नॉर्मल हो जाता है। नाकाम सियासतदान और लॉबी गैर आइनी इकदाम के लिए बयानियां बना रहे हैं, ये लॉबी चाहती है कि गैर आइनी इकदाम हो और ये नौकरी से लग सके। रिटायर्ड कुछ फौजी अफसरान है जो TV पे आके दानिश्वरी करते हैं, भाई आप आके TV के ऊपर बताएं कि पाकिस्तान का दिफा कैसे मजबूत हो। पार्टी कयादत की ख्वाहिशमंद नहीं, वर्कर के तौर पर काम करके खुश हो, खानदान के कहने पर पार्टी कयादत संभालने का गलत बयान मुझसे मंसूब किया गया, शरीफ खानदान में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ। मरियम नवाज का ट्विटर पर पैगाम, कहा नवाज शरीफ ही पार्टी की कयादत कर रहे हैं और करते रहेंगे। शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा अहलियत के हामिल और मेरे हीरो हैं, पार्टी या खानदान में इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद हैं। मरियम नवाज की अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में वजाहत, कहा जेलें नाअहली नजरबंदियां और अदालती मुकदमात सब देख लिए हैं, अब अंजाम की फिक्र नहीं, किसी भी चीज को खातिर में ना लाकर मुकाबला कर रही हूँ, मुकदमात दबाव में लाने का हरबा है। मामूली मुकदमे में मेरा नाम ECL में डाला गया, नवाज शरीफ पर तो करप्शन के संगीन इल्जामात हैं लेकिन वो फिर भी आजाद घूम रहे हैं। साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा शरीफ खानदान शाही अंदाज में अदालत में पेश होता है, मुल्क में इंसाफ का दोहरा निजाम। कराची में 250 अफराद के कत्ल का जिम्मेदार सारिहा बल्दिया फैक्ट्री का मरकजी किरदार, हमाद सिद्दीकी दुबई में पकड़ा गया, चंद रोज में पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा। रहमान भोला ने रऊ सिद्दीकी के हुक्म पर बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई थी। तहकीकाती इदारे ने या हुकूमत पाकिस्तान ने किसी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि उनके गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया, अगर किया गया तो इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। कुछ लोगों ने हमाद सिद्दीकी की पारसाई की कसम खाई, वक्त के साथ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, हमाद सिद्दीकी हो या कोई भी उसे अदालत में पेश होना चाहिए, MPM पाकिस्तान के सरबरा फारूक सत्तार की वजाहत। MPM ने चंद साल कबल बल्दिया फैक्ट्री के 200 मुलाजमीन को कत्ल किया जिसका मामला बिलाखिर इख्तिताम को पहुंच रहा है, कत्लेआम में मुलव्वस मुजरिमों को तख्ताएदार पर लटकाना चाहिए। PTI रहनुमा नईम उल हक का ट्वीट में मुतालबा, कहा कई साल तक कातिल MQM को पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून और परवेज मुशर्रफ की सरपरस्ती हासिल रही, वो उन्हें हुकूमत में शामिल करके जरा से बचाते रहे। तहरीक इंसाफ आज मियावाली में सियासी पावर शो करेगी, पंडाल सज गया, कुर्सियां लग गई, जलसे की तैयारियां भी मुकम्मल, चेयरमैन PTI इमरान खान खिताब करेंगे। पेशावर के इलाके सरदार कॉलोनी में बम डिस्पोजल स्क्वाड की बरवक कार्रवाई, बाल्टी में पड़ा बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया, पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी। इस्लामाबाद में कार की टक्कर से तालिब इल्म की हलाकत का वाकया, CCTV फुटेज आज न्यूज को मौसूल, लवाहिकीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज, पुलिस से ड्राइवर की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। उजरत क्यों मांगी, राजनपुर में मालिक ने मजदूरी मांगने पर मुलाजिम की मुबैना तौर पर जबान काट दी, मुतासरा शख्स तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, वाकये का मुकदमा दर्ज ना हो सका। अलीपुर में जहरीली लस्सी से मुतासरा एक और बच्ची दम तोड़ गई, जाबहक अफराद की तादाद 11 हो गई।
शहजादे दुनिया को दिखाने आए हैं हम दीवाने फिर से गेम उठाने पूछो ना ये कैसी रात होगी आज। यूएई में दिखाया शाहीनों ने कमाल अब टी20 से आखिरी मैच में डालेंगे लाहौर में धमाल बड़े मुकजा की खिदमत विफाक को वापस करके सरदार मोहम्मद दस्ती को नया आईजी बनाए सेक्रेटरी सर्विसेज की सूबाई काबीना के इजलास में तजवीज वजीर आला सिंध ने कहा आवाम के मफादात में काम करना चाहते हैं कोशिश है कि इदारों को बेहतर किया जाए पुलिस रूल्स ऐसे हो जिसमें हुकूमत की रिक कायम रहे। इश्तियाल अंगेज तकरीर केस में फारूक सत्तार और आमिर खान मुजरिम करार पुलिस ने जिम्मी चालान इंसदादे दहशतगर्दी अदालत में पेश कर दिया दोनों से मजीद तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला तफ्तीशी टीम ने महकमा दाखिला सिंध को खत इरसाल कर दिया ATC ने केस में बानी MQM और दीगर मुलजमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दी है। इमरान खान सत्यानाश बेड़ा गर्क ब्रिगेड के कमांडर है वजीर दाखिला अहसन इकबाल का वार कहा रात 8 से 11 तक मुल्क को बदहाल करार दिया जाता है 12 बजे सब नॉर्मल हो जाता है नाकाम सियासतदान और लॉबी गैर आईनी इकदाम के लिए बयानियां बना रहे हैं ये लॉबी चाहती है कि गैर आईनी इकदाम हो और ये नौकरी से लग सके। रिटायर्ड कुछ फौजी अफसरान है जो TV पे आके दानिश्वरी करते हैं भाई आप आके TV के ऊपर बताएं कि पाकिस्तान का दिफा कैसे मजबूत हो। शेख रशीद परवेज मुशर्रफ और दीगर अदवार के सियासी औराक खोल सकता हूँ शेख रशीद अपनी सियासत करें और मुझे मेरी करने दें किसी गलत फहमी में ना रहें साबिक वजीर दाखिला चौधरी निसार का दो टोक पैगाम कहा मैंने नवाज शरीफ के साथ मिलकर पार्टी की एक एक ईंट रखी पार्टी कयादत की ख्वाहिशमंद नहीं वर्कर के तौर पर काम करके खुश हूँ खानदान के कहने पर पार्टी कयादत संभालने का गलत बयान मुझसे मंसूब किया गया शरीफ खानदान में ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ मरियम नवाज का ट्विटर पर पैगाम कहा नवाज शरीफ ही पार्टी की कयादत कर रहे हैं और करते रहेंगे। शहबाज शरीफ सबसे ज्यादा अहलियत के हामिल और मेरे हीरो हैं पार्टी या खानदान में इख्तलाफात की बातें बेबुनियाद हैं मरियम नवाज की अमरीकी अखबार को इंटरव्यू में वजाहत कहा जेलें ना अहली नजरबंदियां और अदालती मुकदमात सब देख लिए हैं अब अंजाम की फिक्र नहीं किसी भी चीज को खातिर में ना लाकर मुकाबला कर रही हूँ मुकदमात दबाव में लाने का हरबा है। नवाज शरीफ की जानिब से ट्रायल रुकवाने और नैब रेफरेंसेस चैलेंज करने का मामला रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात के खिलाफ अपील की जल्द समाप्त के लिए दरखास्त दायर अपील 2 नवंबर को समाप्त के लिए मुकर्रर की जाएगी नवाज शरीफ की सदा। मामूली मुकदमे में मेरा नाम ECL में डाला गया नवाज शरीफ पर तो करप्शन के संगीन इल्जाम हैं लेकिन वो फिर भी आजाद घूम रहे हैं साबिक वजीर आजम राजा परवेज अशरफ की मीडिया से गुफ्तगू कहा शरीफ खानदान शाही अंदाज में अदालत में पेश होता है मुल्क में इंसाफ का दोहरा निजाम है। किसी दुनियावी ओहदे की ख्वाहिश नहीं अब ऑक्सफोर्ड से इस्लामाबाद चीन से रूस तक सिर्फ इस्लाम की बात करूंगा शाह महमूद कुरैशी का दरगाह बहाउद्दीन जकरिया पर खिताब कहा वो बात करेंगे जो मुल्क के मफाद में होगी। तरीके इंसाफ आज मियावाली में सियासी पावर शो करेगी पिंडाल सज गया कुर्सियां लग गई जलसे की तैयारियां भी मुकम्मल चेयरमैन PTI इमरान खान खिताब करेंगे कप्तान के खिलाड़ियों की आमद का सिलसिला भी जारी। कराची में 250 अफराद के कत्ल का जिम्मेदार सानिहा बल्दिया फैक्ट्री का मरकजी किरदार हमाद सिद्दीकी दुबई में पकड़ा गया चंद रोज में पाकिस्तान मुंतकिल किया जाएगा रहमान भोला ने रऊफ सिद्दीकी के हुक्म पर बल्दिया फैक्ट्री को आग लगाई थी। तहकीकाती इदारे ने या हुकूमत पाकिस्तान ने किसी ने ऑफिशियली कंफर्म नहीं किया कि उनके गिरफ्तार किया गया नहीं किया गया
अगर किया गया तो इंसाफ के तकाजे पूरे होने चाहिए। कुछ लोगों ने हमाद सिद्दीकी की पारसाई की कसम खाई, वक्त के साथ दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमाद सिद्दीकी हो या कोई भी, उसे अदालत में पेश होना चाहिए। M2M पाकिस्तान के सरबराह फारूक सत्तार की वजाहत। M2M ने चंद साल कबल बल्दिया फैक्ट्री के 200 मुलाजमीन को कत्ल किया, जिसका मामला बिलाखिर इख्तिताम को पहुंच रहा है। कत्लेआम में मुलव्वस मुजरिमान को तख्तेदार पर लटकाना चाहिए, पीटीआई रहनुमा नईमुल हक का ट्वीट में मुतालबा। कहा कई साल तक कातिल M2M को पीपल्स पार्टी, नून लीग और परवेज मुशरफ की सरपरस्ती हासिल रही, वो इन्हें हुकूमत में शामिल करके जिरह से बचाते रहे। पेशावर के इलाके सरदार कॉलोनी में बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड की बरवक कार्रवाई, बाल्टी में पड़ा बारूदी मवाद नाकारा बना दिया, पुलिस का इलाके में सर्च ऑपरेशन भी जारी। फैसलाबाद में कार की टक्कर से तालिबे इल्म की हलाकत का वाकया, सीसीटीवी फुटेज आज न्यूज को मौसूल हो गई। लवाखीन का लाश सड़क पर रखकर एहतजाज, पुलिस से ड्राइवर की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। उजरत क्यों मांगी, राजनपुर में मालिक ने मजदूरी मांगने पर मुलाजिम की मुबैना तौर पर जबान काट दी, मुतासरा शख्स तश्वीशनाक हालत में अस्पताल मुंतकिल, वाकई का मुकदमा दर्ज न हो सका। अलीपुर में जहरीली लस्सी से मुतासरा एक और बच्ची दम तोड़ गई, जहां भक्त अफराद की तादाद 11 हो गई। सीटी बजेगी, तेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। फिर सीटी बजेगी, तेज सजेगा और ताली बजेगी, अब खेल जमेगा। ला 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 ला। यूएई में दिखाया शाहीनों ने कमाल, अब सीरीज के आखिरी मैच में डालेंगे लाहौर में धमाल। बड़े मुकाबले का कल कजाफी स्टेडियम में सजेगा मैदान, सिक्योरिटी इंतजाम को हतमी शक्ल दे दी गई, लंकन टीम आज रात लाहौर पहुंचेगी। शायकीन क्रिकेट को लाहौर में बड़े मुकाबले का इंतजार, अरकीन पंजाब असेंबली भी शाहीनों और लंकन लाइंस को एक्शन में देखने के लिए बेकरार, अहले खाना के हमरा फेवरेट खिलाड़ियों को देखने स्टेडियम जाएंगे। मेरे बेटे हैं और दोनों को क्रिकेट का बहुत शौक है, तो फैमिली के साथ ज्यादा बंदा एंजॉय करता है, मिलके जाके